दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अविनाश हेयर केयर में। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं फॉरवर्ड ग्रेजुएशन हेयर कट, सीधी भाषा में फेदर हेयर कट, जिसके लिए हम लोगों ने बस 5 सेक्शन में बालों को डिवाइड किया है और ये हेयर कट बहुत इजी वे से होने वाला है। तो जो लोग भी नए इस चैनल के ऊपर, फटाफट से लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक सेक्शन निकाल के उसको आपको लेना है आगे की तरफ, जैसे फर्स्ट सेक्शन में बोल रहा हूँ उसको लेना है आगे की तरफ, मतलब नोज़ की तरफ, और आपको बिल्कुल स्ट्रेट कट करना है। देख सकते हो आप, स्ट्रेट कट करना है। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और लॉन्ग है तो आप इसे और भी लंबा लेके कट कर सकते हो, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट शॉर्ट है तो आप और भी इसे शॉर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उनको लेंथ बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना था, तो उस हिसाब से हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो सेम तरीका आगे लेना है आपको, उसके बाद आपको गाइडलाइन मिल जाएगा और उसी गाइडलाइन को आपको फॉलो करते हुए पीछे के हेयर्स भी कट करने हैं, वो भी बहुत आसानी से। तो आप ये इजीली कर सकते हो और आपके क्लाइंट को एक नया लुक देने के लिए ये कर सकते हो, यानी अच्छा उनका लुक क्रिएट कर सकते हो। तो एक साइड हो गई हमारी एकदम इजी तरीके से। अभी हम लोग बढ़ते हैं दूसरी साइड में। तो इस साइड में आपको गाइडलाइन कैसे लेनी है, तो एक वाला पार्ट इस साइड वाले से आपको लेना है, उसको आगे लेना है उसका गाइडलाइन और उसको कट कर देना है। तो आपको इजीली आपका गाइडलाइन मिल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, उस साइड वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करेंगे सेम तरीके से जैसे हम लोगों ने इस साइड का किया था। प्रॉपर कॉम्ब किया, आगे की तरफ लिया, आपको गाइडलाइन मिल गया, गाइडलाइन को आपको करना है कट सिमिलर। अभी लास्ट भी सेम हम वैसे ही कट करेंगे, तो हमारा ईयर टू ईयर जो रेडियल सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे हमारे मेन सेंटर पार्ट के सेक्शन के लिए, बॉक्स सेक्शन के लिए। तो दोस्तों देखो इजीली ये भी हो गया। तो आपका जो सेक्शंस है वो आपको समझ में आया कि सारी चीज़ें सामने से हमने कैसे किया। अभी हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड सेक्शन की तरफ। इसमें से आपको थोड़े थोड़े पार्ट लेने हैं, जैसे हम लोगों ने इसमें भी लिए थे, तो आपको उतना पार्ट लेके उसको आगे के डायरेक्शन में लेना है। जैसे मैं ले रहा हूँ आप देख सकते हो, प्रॉपर तरीके से कॉम्ब करना है। इसमें से आपको साइड की गाइडलाइन लेनी है, दोनों साइड की भी आप ले सकते हो, तो आपको ईजिली दिख जाएगा आपकी गाइडलाइन कहाँ पर थी। उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बाकी के जो हेयर्स है उसके ऊपर भी सिमिलर तरीका यूज़ करके हम लोग उसको भी सेम तरीके से वैसे ही कट कर लेंगे। हमारे पास ऑलरेडी गाइडलाइन है, उसको ही फॉलो करते हुए ये सेम तरीके से आपको कर लेना है। तो जो दोस्तों मेरी जो एकेडमी है वो पुणे महाराष्ट्र में है, जिनको भी ज्वाइन करना होगा डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूँगा, वहाँ पर आप ये कॉल करके एडमिशन ले सकते हो। जिसको भी करना हो पुणे से आसपास बाहर से, जो इंस्टाग्राम पे नहीं देखता है तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर देखिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं डेली डालता हूँ। तो बहुत दूर से भी लोग आते हैं, जैसे चेन्नई हो गया, एमपी हो गया, हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, बेलगांव हो गया, तो इतनी दूर से भी लोग आते हैं। जिसको भी ज्वाइन करना हो वो आ सकता है और ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे यही चीज़ें हम लोग आपको सिखाते हैं। तो उसके बाद हम लोग हमारे फोर्थ सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, बैक वाला सेक्शन। उसको आपको आगे लेना है ईयर के ऊपर से, और आपको जो गाइडलाइन मिल रहा है उसी गाइडलाइन को आपको फॉलो करते हुए आगे लेके जाना है। देख सकते हो आप, शॉर्ट टू लॉन्ग पूरा ये हेयर कट हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, लास्ट वाला पार्ट भी अच्छे से कॉम किया, उसके बाद उसको आगे लिया, गाइडलाइन दिख गया और गाइडलाइन को किया कट। तो इस तरीके से आप आपका जो फॉरवर्ड ग्रेजुएशन हेयर कट है उसको एकदम आराम से, अलग तरीके से और जल्द फटाफट कर सकते हो, और एक क्लाइंट को आपके एक नया लुक आप क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हमारा ये भी साइड हो गया। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की तरफ, फिफ्थ सेक्शन। सिमिलर तरीका है, कुछ ज़्यादा आपको करना नहीं है। उसमें से आपको थोड़े थोड़ा पार्ट लेके डायगनल आगे लेके जाना है और उसको आपको कट कर लेना है, ठीक है। और सारी चीज़ों को आपको प्रॉपर तरीके से अगर आप करोगे तो हेयर कट ये आपका गलत नहीं होगा। बहुत लोग बोलेंगे सर सीजर क्यों सिमिलर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हो, तो दोस्तों मेरे जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए मैं जो उनकी सीजर है उनसे ही हेयर कट करता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ स्पेशल सीजर यूज़ करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो स्टूडेंट की सीजर है उनको भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि सर ये भी सीजर से अच्छा हेयर कट हो सकता है, इसलिए मैं दिखाता हूँ। बाकी कुछ नहीं कि महंगी महंगी सीजर यूज़ करो या कुछ भी आप यूज़ करो, तो सिंपल फंडा है। और आपके कट अगर अच्छा आ गया तो सीजर से क्या करना है आपको, आपका हेयर कट बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। तो सीजर उसका ही काम करेगी बस कट करने का, बाकी कला तो आपके हाथ में है ही। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हमारा हेयर कट हो चुका है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इनका फाइनल रिजल्ट। उसके बाद मैंने उनका वी में आ रहा था, तो वो क्लाइंट बोल रहा था कि मुझे यू में चाहिए, तो हम लोगों ने उसे क्या किया, यू में ही उसे कट कर दिया सिंपल तरीके से, यू कट आप देख सकते हो। और उसके बाद हमारा हेयर कट ऑलमोस्ट हो चुका है। फिर मैं डायरेक्टली ब्लो ड्राई का वीडियो नहीं अपलोड कर रहा हूँ। अगर किसी को चाहिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ब्लो ड्राई का वीडियो भी देखना है, तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना कि सर हमें ब्लो ड्राई का वीडियो देखना है,
तब जाके मैं क्या करूँगा, आपके लिए ब्लो ड्राई का वीडियो अपलोड करूँगा कि ये ब्लो ड्राई मैंने कैसे किया है, और उसका टेक्निक भी बताऊँगा। उसके पहले हम लोगों ने मूव्स कैसे यूज़ किया, क्या क्या चीज़ें यूज़ की, उसके बारे में भी डिटेल में बताऊँगा। अगर आपको ब्लो ड्राई का वीडियो देखना है तो ज़रूर कमेंट करना, कमेंट करोगे तो मैं बताऊँगा कि मैंने कैसा ये ब्लो ड्राई किया है। तो दोस्तों देखो, मैंने फर्स्ट आउटवर्ड में किया था और उसको इनवर्ड में भी मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों आपको अगर ये हेयर कट अच्छा लग रहा होगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और सपोर्ट करते रहना गाइस। जो लास्ट वीडियो में भी आपने सपोर्ट दिखाया था, ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं भी रोज़ जितना हो सके उतना जल्दी आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो आप देख सकते हो प्रॉपरली हम लोगों ने फॉरवर्ड ग्रेजुएशन इनके हेयर्स के ऊपर फेदर, फॉरवर्ड ग्रेजुएशन, फ्रंट लेयर, इसको और भी बहुत सारे नाम है, फेस फ्रेमिंग भी इसे बोलते हैं। तो हमारा हेयर कट ऑलमोस्ट हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों ये हेयर कट का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए अविनाश हेयर केयर, और प्लीज़ सपोर्ट गाइज, जितना सपोर्ट करोगे उतने ही वीडियो में आपके लिए बनाते रहूँगा, और थैंक यू सो मच, बाय बाय।